हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 45 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 1.5% के करीबन की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 27 रुपए 15 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में नीचे का एक डबल सपोर्ट बॉटम बना है 25 रुपीज पर। 25 रुपीज पर इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक डबल सपोर्ट बॉटम बनाएगा और निचले लेवल पर स्टॉक के अंदर एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक ने ऊपर में 29 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट किया है। पर ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल रही है, जहां पर अब स्टॉक का जो नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 25 रुपीज पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 25 रुपीज का एक बड़ा स्टॉप लॉस रखें लॉन्ग टर्म के लिए और ऊपर के टारगेट अराउंड 31 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी का मोमेंटम जब भी देखने को मिलेगा जब स्टॉक ऊपर में 31 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर एक क्लोजिंग बना लेता है, क्योंकि स्टॉक का पिछला हाई 31 रुपीज का है। इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन ले। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।